क्या देखने जा रहे हैं हम? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। बज रहे हैं सुबह के 10 और हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। जी हाँ, हम लोग सुबह का 10 बजे वाला शो कर रहे हैं, और नहीं, सस्ते की वजह से नहीं, इसीलिए क्योंकि भैया जी 1 बजे निकलने वाले हैं। तो भैया को जाने से पहले हमें मूवी दिखानी थी, उनका मन था मूवी देखने के लिए, क्योंकि वो जहाँ से आते हैं हस्तिनापुर, वहाँ कोई भी थिएटर नहीं है अभी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यूपी गवर्नमेंट को ये भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक छोटा मोटा सा थिएटर खुलवा दें, सरकारी वाला, फ्री टिकट वाला। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। लेकिन फालतू बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं भेड़िया मूवी देखने के लिए। दोस्तों अभी हमें वहां जाकर के टिकट भी लेनी है, तो टाइम को जाया नहीं करते हैं, फटाफट से घर से निकलते हैं। बाकी सब ऑलरेडी नीचे निकल चुके हैं, साक्षी गाड़ी निकाल रही है और मैं व्लॉग बनाने के लिए रुक गया था। फ्रेंड्स, पहले हम सुबह 10 बजे वाला शो लेने वाले थे, लेकिन 10:05 तो घर पर ही हो गया, तो अब हम 10:50 वाला शो लेंगे। और 10:50 वाला शो लगभग 1 बजे 1:15 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, तो भैया को जो 4 बजे वाली बस पकड़नी है वो भी हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। मॉल देखने में तो अच्छा लग रहा है। खुल गया ये अच्छे से? काफी टाइम से देख रहे थे हमने, कहा पता नहीं कब खुलेगा ये। 9 बजे पूरा देख। अरे 9 बजे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भाई। वाटर पार्क नहीं है वो, है ये फाउंटेन, झरना। अच्छा लग रहा है। देख के तो सही लग रहा है मौलिया यार, लग तो मेरे को भी ठीक रहा है। हम ऐसे बाहर से तो अच्छा लग रहा है, अंडर एस्टिमेट किए हुए थे काफी टाइम से हम लोग। फ्रेंड्स इसको देख रहे थे, फिर सोच रहे थे यार ये तो बाहर से कुछ भी नहीं लगता, कुछ डेकोरेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता, ठंडा सा पड़े रहता है, तो फिर पता नहीं इस मॉल में कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब देख के लग रहा है कि अच्छा है। वाव नाइशा, देखो यहाँ पे ट्रेन भी है, चलाओ ट्रेन चलाओ। अभी मैं तो बैठना ही चाहता हूँ। यहाँ पे बैठना नहीं है, वो तो बस आपकी फोटो खिंचानी थी। अब उतरो, मूवी नहीं देखनी? मूवी देखनी है, चलो उतरो उतरो उतरो, इसको उतारो। चल नहीं रखे? अरे यार लगाने की जरूरत ही क्या थी जब चालू नहीं कर रखा है। तो तुम नाइट सूट में ही आ गई? मुझे लगा सुबह सुबह का शो है, तुम सब बाबू बन गया है, मैं ऐसी आ गई। भैया को देखो, बिल्कुल शादी में जाने के आए हैं। ब्लेजर से डाल के। फ्रेंड्स, इन लोगों ने पहले हमें ऊपर चढ़वाया, अब नीचे उतरवा रहे हैं, क्योंकि सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए जो एस्केलेटर्स हैं उसके आगे इन्होंने बैरिकेड सा लगा रखा है, यानी कि हम ऐसे मैनुअली भी नहीं चढ़ सकते, तो अब हमें ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट लेनी पड़ेगी। तो दोबारा नीचे जा रहे हैं। कोई नहीं, हम लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन साक्षी को, नायशा को संभालना पड़ता है, प्लस पापा को पकड़ पकड़ के आना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए दिक्कत है। तो अगर आप इस मॉल में आए, एस पी लांडे मॉल, तो इस बात का ध्यान रखें। अभी नया चालू हुआ है, इस मॉल को ओपन हुए हफ्ता हुआ है बस। तो मैनेजर साहब बता रहे थे कि अभी फिलहाल मॉल 1 हफ्ते पहले ही चालू हुआ है। रिलायंस और पेंटेलून पहले से चल रहा था, लेकिन सिनेपोलिस अभी 1 हफ्ते पहले चालू हुआ है, इसी वजह से अभी चीज़ें धीरे धीरे बेटर होंगी। टू प्रेस कर दिया आपने? हाँ। वेरी गुड। हमने भी नहीं दबाया। अब नायशा कौन सी मूवी देखेगी? वो वाली। हाँ, भेड़िया वाली। भेड़िया। थैंक यू। कार्ड ले लिया? कार्ड ले लिया? हाँ ले लिया। ले लिया। लगा लेते हैं। तो सिनेपोलिस तो हम लोग आ गए हैं, टिकट्स भी ले लिए, अब यहाँ कुछ करने को है नहीं, और 10:33 हो गया, तो बस 15 मिनट की बात है, तो वेट करते हैं अपने शो शुरू होने का और अंदर चलते हैं। अभी तो साफ सफाई चल रही है, बहुत जल्दी आ गए हम लोग। थैंक यू। व्हाट वाज द इशू? पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो SMS कर रहे थे और मेरे पास टिकट आई नहीं रही थी, तो फिर मैंने मैन्युअली ले ली। क्या देखने जा रहे हैं हम? फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, पता है मूवी टिकट कितने की है? ओनली 99 रुपीज़ पर पर्सन।
मतलब गुड़गांव शहर में 99 रुपीस में आपको मूवी देखने मिल रही है मल्टीप्लेक्स में। और क्या चाहिए लाइफ में, शायद अभी नया नया ओपन हुआ है इसीलिए इतना सस्ता है, आगे जा करके ये 200 रुपए की तो हो ही जाएगी। नायशा ये देखो, ये तो 4 टिकट्स हैं, पापा की, मम्मा की, दादू की, मामा की, नायशा की तो है ही नहीं। तो नायशा मूवी नहीं देखेगी, तो फिर मम्मी ने आपका टिकट क्यों नहीं लिया, पूछो। मम्मा मेरा टिकट नहीं लिया। अब नायशा नहीं देखेगी, अब नायशा नहीं देखेगी, 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 देखेगी। नायशा टिकट्स मुझे दे दो, ये पापा को दे दो। नायशा देख मिर्ची, बैठ गए आराम से दोनों, पापा आराम से बैठ गए। कैसी लग रही फिल्म? ठीक लग रही। जैसी फील कर रहे सच बताओ? ठीक है। और क्या? मजा नहीं आया? वही बच्चों के जैसे स्टोरी वो बनाती भेड़िया बन गया रहा वही मैं। ऐसा कैसी थी मूवी? बहुत डरावनी है ना, कैसे कर रहा था भेड़िया? वो कर रहा था को डर लग रहा था। कौन था वो? बड़ा वाला क्या? एक तो मूवी वाले बड़े होते हैं ना, एक बड़े। क्या कह रही, नहीं समझ पा रहा है, भेड़िया। हाँ भेड़िया तो बड़ी हो जाता है ना। अच्छा वो बड़ा हो जाता था, भेड़िया बन जाता था, कैसे करता था? क्या कर रही हो तुम? हमारी नटखट मैडम नटखट खा रही है। मैं भी खाऊंगी। मजा आया दोस्तों, पीछे बहुत मस्त पार्क है, मेरा तो यहाँ थोड़ी देर बैठने का मन कर रहा है, ग्रीनरी की फील लेने का मन कर रहा है, लेकिन भैया की देर हो रही है, बार बार उनका घर से फोन आ रहा है कि जल्दी निकलो जल्दी निकलो। हालांकि 9 बजे पहुंचने का टाइम बोला गया है, लेकिन ये लोग 1 बजे ही आफत मचा रहे हैं पता नहीं क्यों। तो बस अब फटाफट से गड्डी स्टार्ट करते हैं, घर पहुंचते हैं, भैया को कुछ खिलाते हैं, बढ़िया सा लंच कराते हैं और फिर रवाना करते हैं। इसमें बैठना है? ऐसा इसमें बैठने की जिद कर रही है। बस बस धूप हो रही है, रख दो साइड में कर दो। बस बस उतर जाओ बेटा, उतर जाओ, चलो बस। फ्रेंड्स छोले कुलचे तो पैक हो गए, मैंने दो अलग अलग जगह पैक कराया ताकि अगर भैया का मन करे कि लेट हो रही है तो मैं ले जाता हूँ और रास्ते में खा लूँगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे हम उन्हें पुश करेंगे कि वो 10 मिनट आराम से बैठ के खाएं और खा के जाएं। कब आए कब चले गए पता भी नहीं चल रहा, इतनी जल्दी जा रहे हो और क्या। घर वालों ने फोन कर करके परेशान कर दिया, वरना आपका तो रुकने का मन कर रहा है ना। पट्टी क्या कर रही हो? अरे मम्मी को क्यों मार रही हो? अरे मम्मी को क्यों मार? मम्मी को मार नहीं रहा हूँ, मम्मी को वैसे प्यार से कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे प्यार से कर रहा हूँ, प्यार से। बाय। सुना नहीं। ओके सर। सुना नहीं। बाय नेचर। बाय। अभी मामा आएंगे दोबारा। बाय। चले गए मामा। चल 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 स्लाइड करेंगे। ये देखिए नायशा ने दौड़ लगा ली है गाड़ी के पीछे। भैया निकलो निकलो, रुको रुको, दो मिनट मिला लो, दो मिनट मिला लो, मिले उठाओ उठाओ। जल्दी जल्दी भागो भैया, अब रुकना मत, तो कितना भी चिल्लाए। बाय 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 बाय। नहीं मामा मेरी। हाँ हाँ पता है। गिर जाओगे बेटा, गिर जाओगे। देखो आगे भैया आ रहा। फ्रेंड्स भैया चले गए जल्दी जल्दी में, भैया ने बस जो लाए थे हम खाया थोड़ा बहुत छोले कुलचा और भैया भागे, कैब आ गई थी उनकी और बहुत ज्यादा अच्छे से मिल भी नहीं पाए, जल्दी में थे। नायशा भी रो रही थी, उनको तो कोई भी आए घर में गेस्ट तो नायशा को साथ में जाना होता है पार्सल में, तो वो जा नहीं पाई तो वो रो रही थी।
अब साक्षी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पीछे उसकी सहेली रीरा दीदी मिल गई है, तो वो उनके साथ बिजी हो गई है और हम चल रहे हैं ऊपर क्योंकि भयंकर गर्मी लग रही है और मैंने स्वेटशर्ट पहना हुआ है। तो बस अब ऊपर जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ऊपर आ गए और ये लोग अभी भी नीचे ही हैं। नायशा फ्रेंड्स, मैं तो आराम से सोने होने की तैयारी कर रहा था, एक बढ़िया सा 2 घंटे का पावर नैप लेने के चक्कर में था, लेकिन तभी फ़ोन आया। अभी कुछ दिन पहले ही लास्ट वीक शायद मेरे एक फ्रेंड बने थे सोसाइटी में, जो किसी एक्चुअली आए थे वो मुझसे जॉब के सिलसिले में बात करने थे, लेकिन फिर हमारी फ्रेंडशिप हो गई और उन्होंने बताया कि वो हर सैटरडे संडे क्रिकेट खेलते हैं और हमारी सोसाइटी के पीछे एक जगह है जहाँ मैट वैट भी है। मुझे पता ही नहीं था, 1 साल हो गया है रहते हुए, तो देखने जा रहा हूँ मैं। देखते हैं यार, बढ़िया माहौल होगा तो मज़ेदार खेलने का सही हो जाएगा हर हफ्ते का। फ्रेंड्स, बड़ा सही मामला है यहाँ का, तो इन्होंने नेटवर्क लगा रखी है और 5-6 लोग 8 लोग बैठ लेते हैं और खेल लेते हैं। लेकिन यहाँ यार सब यंग लोग हैं, बड़े धुरंधर खिलाड़ी लग रहे हैं। अपन पता नहीं इनके टैलेंट को, स्किल को मैच कर पाएंगे नहीं मैच कर पाएंगे। फिलहाल वार्म अप के लिए रुका हुआ हूँ और ये लोग बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, खेल पूरा हुआ, लगभग 2-2.5 घंटे खेले, बड़ा मज़ा आया। और बाद में तो वो बिल्कुल छत वाले क्रिकेट पे आ गए थे हम लोग, वो 1-1 एंड वाले जब प्लेयर कम रह गए थे, लेकिन बड़ा मज़ा आया। मतलब वो बचपन की यादें ताज़ा हो गई, जो हम लोग छत पे खेलते थे और नीचे जाना आउट, डायरेक्ट लगना आउट, मज़ा आ गया। ओ माय गॉड, ये इतने सारे कुत्ते मुझे देख करके भाव भाव क्यों कर रहे हैं। चलो यार, यहाँ से कहीं बोट ही ना ले जाएं। सुबह भेड़िया पिक्चर देख के आया हूँ और अभी कहीं कुत्ता काट के मुझे कुत्ता ना बना दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। शाम को 6 बजे मैंने 1 घंटे का पावर नैप लेने का डिसाइड किया था और 10:30 बजे नींद खुली। अब खाना वाना खा के दोबारा मैं ब्लॉग में आया, तो अब बस एडिटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और ऑफिस का भी काम है, तो बस काम को शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलते हैं।